मैंने कहा कि इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हैं? दरअसल क्या है कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए हैं। तो हम चाह रहे थे अगर एक रात आपके यहाँ बिता लेते। मैंने सराय खोल रखी है क्या? मुँह उठा के चले आए रात बिताने मेरे घर में? क्या हमेशा उल्टी बातें क्यों करते हैं? हम पड़ोसी हैं आपके, ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आएगा ना। हमेशा आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है भैया, मुझे कभी भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ध्यान दिया आपने? और जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती है आप अपना पिछवाड़ा दिखाते हैं मुझे। क्या छोड़िए, आपके ऐसा मतलब इंसान नहीं हूँ मैं। मेरी मदद की अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसकी मदद करता हूँ, पीठ नहीं दिखाता मैं। आप यहाँ सो जाइए सोफे पे, मैं बेडरूम में सो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन एक मिनट सुनिए, हमारी आपसे गुजारिश है अगर हमारे विषय में कोई पूछे या ढूंढने आए तो कहिएगा नहीं कि हम यहाँ हैं। नहीं, बहुत सारी नंगी नंगी तारे पड़ी है, वहां नंगे हो जाएंगे आप। तो बताइए ना क्या करें, कहां छुपे? एक काम करिए, घोड़ा बनिए। क्या घोड़ा बन जाइए? घोड़ा बनिए ना। ऐसे बस हिलिए मत, ज्यादा हिलिए मत। अरे क्या करवा रही है हमसे? ऐसे रही। अरे क्या कर रहे हैं? भैया सुनिए, भैया हाँ। अब आप टेबल हो गए हैं, टेबल आपको कोई नहीं देख पाएगा। हिलिएगा मत। आराम से। अरे सक्सेना, अरे कितना चिल्लाते, 6 घंटे में खूब ताड़ी डाला तुम्हें। यार सक्सेना, तनक्षे दरवाजे खोलने में तुम्हें 6 घंटे लगती है का? तुम कौन अंदर कांडवांड तो नहीं कर रहे थे? दरवाजे कांडवांड आप करते हैं, मैं नहीं करता। मेरी आदत नहीं है। कैसे आना हुआ बताइए। अरे कैसे आने को का मतलब है यार, नाइट ड्यूटी लगी भाई है, भूख लगी, बेसन के लड्डू खा ले सोचो तो अचानक बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा, अब प्रेग्नेंट बीबी आधी रात को दरवाजे तो खोलेगी ना, हम लगी तुम आए तो एक गिलास पानी पी लें। पानी पिला दो यार, प्यासे हैं, खाओ। अरे सक्सेना, तुमने बड़ो मुलायम हो, गुदगुद सूफू ले लो। बड़ो अच्छो है। आई लाइक इट। हाँ ये परसों ही लाया मैं जूना माई की पेट से। अच्छा हाँ, लेकिन क्या को इतने 100 लेबल नहीं लग रहा हूँ लकड़ी को? 10,000 करोड़ साल पुराना है ना, एंटीक टेबल है, मैं लाता हूँ पानी। हाँ पानी लिया ससुर, एंटीक पीस है। सारू सक्सेना के पास भी माल बहुत है, हर हफ्ता कछु ना कछु खरीद तो है। अरे यार जो सक्सेना सारू छपकली को सूप पीतो है, कहूँ हमारे पानी में मिला के ना लिया ससुर चिराद है। अरे सक्सेना, वो सक्सेना। अरे यार ये चिराद इस वक्त कहां से आ मरी? हेलो मरबूती जी, हम अंगूरी बात कर रहे हैं। भाई विजय, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है, प्लीज स्पीक अप। आई सब छोड़िए, हमरे घर जल्दी आ जाइए। अभी भाभी जी क्या हुआ, लड्डू के भैया निकल तो नहीं लिए? कब बोले? मैं कहा भाभी जी क्यों बड़ी परेशान दिख रही है, सब खैरियत तो है? हमरे घर एक तो आदमी घुसा है और लड्डू के भैया भी घर पे ना आए हैं। भाभी जी तूने भाभी जी की नाक की तरफ आंख उठा के देखी, मैं तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। हमको बचाइए मरबूती जी, हमको बचाइए। भाभी जी, अंगूरी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम दोनों आ गए। ध्यान से। अनु लीव मी, अनु जस्ट लीव मी। हमारी आंखें निकाल कर उस पे गोटियां खेलेगा। हाँ। हम तेरे गुर्दे निकाल पर तो शतरंज खेलेंगे। तुम्हें ध्यान से देखो, वो तुम्हें चाकू मार सकता है। विभु ध्यान से, गुरी। अरे अरे बुरी अम्मा, अभी तो उसकी शादी में ना आया धीरे। अरे अरे ठहर जा। अरे ऐसो का होगा हुआ है जो सांड की तरह बिल्कुल डकार रहा हुआ है? तुमने मलखान को खून करा हुआ है, तुमने मलखान की जान लिया खूनी। अरे तेरा दिमाग खराब होगा? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है। तुमने
जम्बल खान की जान ले ले रे। तुमने इसको इतना पीटो दुनिया छोड़कर चला गया रम्बल खान। अरे तो पीटो है, मंगे की बिटिया छेड़ रहा हो तो मंगे की बिटिया ने हमसे शिकायत करी, हमने कूट के धर दो। कूट के धर दो तत्ती बेरहमी से कूटबा की क्या जरूरत थी कि इसकी जान ही निकल जाए। अरे सक्सेना जी। अरे भैया क्यों छोटे सांड की तरह चिचिया रहे हैं मेरे घर में? बेसिकली आप बड़े बेहुदा किस्म के आदमी। एनीवे मुझे आपसे एक काम था। पता है भैया, बिना किसी काम के आप मेरे घर में झांकते तक नहीं है। काम वाम होता रहेगा, पहले ये लीजिए रबड़ी खाइए। ये बताइए कि किस खुशी में है? खाइए तो सही, कैसी लग रही है? बहुत कमाल है, 1 महीने पुरानी है। आज ही सुबह देखा मैंने, इसके ऊपर ना कॉकरोच चल रहे थे, तो कॉकरोच को मैंने उठाया और क्या किया कि वो टोस्ट बनाया, कॉकरोच टोस्ट, बहुत टेस्टी लगता है वो खाया मैंने। फिर मैंने सोचा कि इसको कुत्तों को दे दूं, आप आ गए, मैंने सोचा आप खा लें। अब भैया जी, अब बेचारो मर जाएगो। देखिए देखिए ना, देखिए बेबू दरोगा को कितना मार रहा है। क्या हुआ, हफ्तों सिंह को काहे पीट रहे हैं? हाँ काहे भरभूती जी, काहे पीट रहे हैं दारोगा जी को? ऐसे पुलिस वालों को पीटना अच्छी बात नहीं है, क्रीम होता है क्रीम। अबे जी, इट्स क्राइम। हंसे पकड़े हैं केला बेबू, बस बस करो बेबू। उतार उतार उतार। अरे दिखा दो दिखा दो पक्का चलो भाई। भभूति जी बाबू, अरे अरे यार, कितनी बदबूदार जगह पे छुपे हुए हैं आप। तो क्या 5-star होटल में छिपता? अरे जाइए, आपके पास तो ढाबे तक में रुकने का पैसे नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, आपने अरे काहे इतना बड़ा पंगा ले लिया हप्पू सिंह के साथ, अब वो आपको छोड़ेगा नहीं, कम से कम 6 महीने की तो लग ली आपकी। आप मुझे यहाँ बचाने आए या मेरा हौसला तोड़ने आए? अरे हम क्या हौसला बढ़ाए और गिराए यार। अच्छा आप तो हमारी खुद खुद की लगी हुई है, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बचा सकता अब आपको। अरे जी आप बहुत सलील आदमी है यार, आपको देख के ना कई बार उल्टी आती है मुझे। जय हिंद। अरे साहब जो कौन को धर लो आपने? ये वही मुजरिम है जो शहर में पुलिस वालों को पीट रहा था। तुम तो किसी काम के हो नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे ही मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन तुम ये विभूति नारायण को कहाँ ले जा रहे हो? देखिए ना कमिश्नर साहब, विभू बिल्कुल बेकसूर है, फिर भी दरोगा हप्पू सिंह उन्हें झूठे इल्जाम में जेल भेजना चाहते हैं, जबकि असली मुजरिम तो आपके साथ है। हप्पू सिंह, विभूति नारायण को छोड़ दो। हाँ 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 साहब, छोड़ दो और इनसे माफी भी मांगो। मांगो मांगो भैया विभूति, हमें माफ कर दो, गलती हो गई। सो आपकी नजर में कोई मालिश वाली है क्या? तिवारी जी, हमें नहीं पता था कि आपको इस तरह के शौक भी हैं। हमें हमारे लिए नहीं चाहिए। तो फिर किसके लिए चाहिए? अरे अंगूरी के पाँव में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई है। विभूति मालिश करना तो तू भी जानता है, भाभी जी की खातिर बन जाना मालिश वाली।